हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज हमारी जर्नी जो है वो डे 21 तक पहुंच चुकी है। कहते हैं कि अगर किसी चीज को आप लगातार 21 दिनों तक करो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। और पिछले 21 दिनों में हमने लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर मोस्ट वांटेड सीरीज के जरिए जीत हासिल करना सीखा है और अब ये हमारी हैबिट बन जाना चाहिए। आज डे 21 पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की। ये नीट के अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से है। इसके ऊपर से लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू नीट। और इसको भी हम हमारे उसी फंडे के बेसिस पे कवर करने की कोशिश करेंगे इन विच वी रिक्वायर अ मिनिमम इंफॉर्मेशन और फॉर दी विद द हेल्प ऑफ दैट मिनिमम इंफॉर्मेशन वी विल लर्न हाउ टू टैकल मैक्सिमम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। राइट, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो इस टॉपिक की शुरुआत होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ। पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी चार्ज की वजह से स्पेस के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर आप कितनी एनर्जी महसूस कर सकते हो उसको इंडिकेट करता है पोटेंशियल। ये नॉर्मली उन फोर्सेस के लिए डिफाइन किया जाता है जिनके लिए फील्ड का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी पोटेंशियल नाम की क्वांटिटी डिफाइन करी जाती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी पोटेंशियल नाम की क्वांटिटी डिफाइन करी जाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक प्लेस तक लाने में, ठीक है, वो सारी की सारी डेफिनेशन जो है वो आप 9th, 10th और 11th, 12th क्लास के अंदर रट चुके हो। उसकी हमारे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो k टाइम्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के इक्वल होगी। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर आप बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो सब चार्जेस की वजह से अलग 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 पोटेंशियल निकाल लो और सारे के सारे पोटेंशियल्स को एलजेब्रिकली क्या कर दो, ऐड कर दो। इतना आसान है मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना। बट फॉर्मूला कौन सा काम आएगा आपकी, ये वाला काम आएगा। दूसरा सिस्टम हमने कौन सा पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है, अब इसके अंदर आप ध्यान रखना डायपोल होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो कि एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हुए हो, और इनको पुकारा जाता है एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन बोलते हैं डायपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होती है। तो आप एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाहते हो जो डायपोल के सेंटर से तो आर डिस्टेंस पर है, और डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी ना, आर डिस्टेंस पर तो बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो आप डायरेक्शन बताओगे डायपोल मोमेंट, यानी कि पी के साथ वो कितने एंगल के ऊपर है, थीटा एंगल पर है। तो ऐसे पॉइंट पर जो डिस्टेंस आर और पी से थीटा एंगल पर है उस पर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ध्यान दो, एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि एक डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायपोल जो होता है ना वो एक पावर बढ़ा देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसने ऐसा ही किया था, यहां पर भी ये सेम चीज कर रहा है। अगला जो कॉन्फ़िगरेशन है, हमने पढ़ा था एक कंडक्टिंग स्फेयर जिसके ऊपर आपने चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे। तो बाहर जो पॉइंट होगा वहां पर पोटेंशियल हो जाएगा के टाइम्स टोटल चार्ज ऑन द स्फेयर डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस होगी सेंटर से उस पॉइंट की, दैट इज आर। और अगर अंदर चले जाओगे तो मैंने बताया था अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यानी कि चार्ज को सरफेस से अंदर के किसी भी पॉइंट पर ले जाने में आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ही नहीं वहां पर। तो पोटेंशियल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो उतनी ही होगी जितनी सरफेस के ऊपर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ग्राफ जो रेडियस जो सरफेस होगी वहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, उसके बाद में पोटेंशियल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो घटता चला जाएगा, और अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है और सरफेस के ऊपर पोटेंशियल के इक्वल है तो आपको कांस्टेंट एक एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये ग्राफ जो है ये भी डायरेक्ट पूछा गया है कई बार। तो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल के सारे केसेस जो है वो आपको पता होने चाहिए।
अगर हम नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की बात करें तो बाहर तो फॉर्मूला लगभग सेम ही है, के टाइम्स टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट, और अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती थी तो सरफेस से अंदर के किसी पॉइंट पर जाने में आपको और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, और यानी कि पोटेंशियल जो है वो और फर्दर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते 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 सेंटर पर वो मैक्सिमम हो जाएगा। फॉर्मूला अगर याद रख सकते हो तो इनसाइड जो पोटेंशियल होगा वो की टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस का क्यूब टाइम्स थ्राइस ऑफ रेडियस स्क्वायर माइनस डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सेंटर पर मैक्सिमम है, फिर घटता चला जा रहा है, 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 और इनफाइनाइट पर जाकर कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इसकी वजह से पोटेंशियल मैक्सिमम होता है सरफेस पर, और उसकी वजह से पोटेंशियल मैक्सिमम होता है सेंटर के ऊपर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, राइट। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, या अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है किसी रीजन में तो वहां पर आप दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पोजीशन पर चेंज हो रही है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है ये आप यूज कर सकते हो, हालांकि आपको नीट के एग्जाम में इंटीग्रेशन करने की जरूरत बहुत ही कम महसूस होगी, ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं पूछे जाते। बट इससे एक दो फैक्ट बाहर निकल के आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट तो ये निकल के आ रहा है कि हम नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर कर रहे हैं, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, एंड व्हेन यू गो परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस केस में आपका चेंज इन पोटेंशियल कितना आ जाता है, जीरो, यानी कि पोटेंशियल चेंज ही नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम यहां से ए से लेके बी पर आएंगे तो हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, इसका मतलब है पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जबकि यहां से सी तक जाने में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, यानी कि सी का पोटेंशियल कम होगा ए और बी के पोटेंशियल के कंपैरिजन में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके ऊपर क्वेश्चन तरह तरह से पूछे जाते हैं, तो आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से एब्सॉर्व करना है। अब आपकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो मजबूरन इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में हुई तो उसका एक कॉम्पोनेंट जो होगा वो सरफेस के अलॉन्ग भी होगा और वो पोटेंशियल को चेंज कर देगा, और ये अपने आप में इनिशियल स्टेटमेंट को कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल जो सरफेस है वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल है मेटल कंडक्टर्स। कंडक्टर्स अभी अभी हमने पढ़ा था कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर थ्रू आउट पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर निकलती हुई दिखाई देती है। जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज वेल एज नीट के अंदर भी ये जो फैक्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहां तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल के बारे में पता चल रहा है, अगर इसका उल्टा काम करें तो कि हमें पोटेंशियल के बारे में जानकारी दी हुई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी निकालनी हो, तो फिर हमें दो कंडीशंस के अंदर क्वेश्चंस मिल सकते हैं। या तो हमें जो पोटेंशियल है अलग अलग पॉइंट के ऊपर उनके कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया जा सकता है, यानी कि पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट एक्स वाई जेड की फॉर्म में आपको दिया जा सकता है। तो उस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इस फॉर्मूला को यूज करके। इसको याद कर लो, इसको लगाना बहुत आसान है, नेगेटिव साइन मत भूल जाना। डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कंसीडरिंग वाई एंड जेड एज कॉन्स्टेंट। तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब इसको मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पोटेंशियल डायरेक्ट रेडियल वैक्टर के फंक्शन की फॉर्म में दे दिया जाए तो बहुत आसान है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर टाइम्स आर कैप हो जाएगा। आर कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल के बारे में हमें पता पड़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन करी जाती है, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है। तो अगर आपको दो चार्जेस दिए हुए हों Q1 और Q2 जिनके बीच में डिस्टेंस R है तो इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, K टाइम्स पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर।
जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। और यहां पर अगर हमें दो पॉइंट्स के पोटेंशियल्स दे रखे हों और एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे तक ले जाया जाए तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू टाइम्स वी टू माइनस वी वन के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो इसके ऊपर आपको अक्सर क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दे देंगे और बोलेंगे कि इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चार्ज को ले जाया जा रहा है, तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल में तो चेंज किया ही नहीं, यानी कि वी वन और वी टू सेम है, यानी कि वी टू माइनस वी वन जीरो है, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है, जीरो। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइपोल, अगेन डायपोल सीन के अंदर आ गया। डायपोल को जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के ऊपर उतना ही फोर्स लगेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ फोर्स सेम नहीं है तो आप नेट टॉर्क लगता हुआ देखोगे और वो जो टॉर्क है वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हुआ नजर आएगा। तो उस टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो पी क्रॉस ई के इक्वल होती है, यानी कि पी साइन थीटा। और अगर इस टॉर्क के अगेंस्ट आप इसको घुमा के किसी थीटा पोजीशन पर ले जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जब डायपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाए हुए है माइनस पी डॉट ई के इक्वल होती है, यानी कि माइनस पी ई कॉस थीटा के इक्वल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब थीटा जीरो होगा तो आप देख पा रहे हो टॉर्क जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा हो जाएगा, राइट। इसको अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क जीरो है इसका मतलब है इक्विलिब्रियम तो है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इसका मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आपका सिस्टम चाहता है कि मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पड़ा रहूं, ठीक है। अगर थीटा 180 डिग्री है तो टॉर्क अगेन जीरो हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम तो है बट इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पॉजिटिव। तो भाई साहब इस कंडीशन में आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो रहेगा बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि अगर आपने उसको हल्का सा भी छेड़ दिया तो फिर वो भाग के कहाँ पहुंच जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में चला जाएगा, राइट। थीटा इज इक्वल टू 90 होने पर आपका टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होता है। अगर किसी थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक ले जाते हो आप तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया फोर्स जो होगा वो पी ई कॉस थीटा वन माइनस पी ई कॉस थीटा टू के इक्वल होगा। इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देना, ठीक है ना। तो फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो। तो ये डायपोल के बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट के साथ आप मुझे नहीं पता क्या करते होंगे बट इसको अगर आप प्रिंट निकलवा सकते हो तो इसको निकाल के आप इसको एज अ रिविजन मटीरियल शामिल कर लिया करो अपने जो भी फाइल वगैरह आप मैनेज कर रहे हो उसके अंदर, राइट। अगली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में बात करें। देखो कोई भी कंडक्टर आप लोगे, जैसे सपोज करो आपने एक सोप बबल ले लिया, राइट, और उसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज डाल दोगे तो पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस पूरे के पूरे सोप बबल के कोई से भी एक हिस्से के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और जो रिमेनिंग स्फेयर है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हर पॉइंट के ऊपर एक प्रेशर लगता है जो कि उसकी साइज को इंक्रीज करने की टेंडेंसी रखता है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और उसकी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि इसको सरफेस टेंशन से रिलेट कर देंगे। जो बबल वगैरह हमने पढ़े थे फ्लूइड्स के अंदर तो वहां पर यही प्रेशर एक्सेस प्रेशर की तरह हो जाएगा, यानी कि 4T डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, सोप बबल के लिए हमने देखा था। तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कनेक्ट करके, हालांकि चांसेस कम है। एनर्जी डेंसिटी, अगर किसी रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखी हो और पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर एनर्जी कितनी है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई स्क्वायर, या फिर जो ये प्रेशर है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बट बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, हम करेंगे क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं अपन कैपेसिटेंस के ऊपर। तो किसी कंडक्टर के ऊपर जब आप पोटेंशियल जब आप चार्ज रखते चले जाओगे तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि चार्ज जो है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, और इस क्वांटिटी को ही बोला जाता है कैपेसिटेंस। तो सी हमेशा किसके इक्वल होता है, चार्ज ऑन कंडक्टर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एट द कंडक्टर।
स्फेरिकल बॉडी के लिए अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो आपका जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू निकल के आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, हम ये मान लेते हैं किसी और मीडियम में रखिए, टाइम्स रेडियस आर। अब इससे हमें पहली बार पता चलेगा कि यार ये जो कैपेसिटेंस नाम की क्वांटिटी है ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनके लिए तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बट ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, कंडक्टर की साइज के ऊपर, और उस कंडक्टर को किस मीडियम के अंदर रखा गया है, उस मीडियम की प्रॉपर्टीज के ऊपर, राइट। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स ली जाती है, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक उतने ही अमाउंट से नेगेटिवली चार्ज होती है, दोनों के बीच का गैप डी होता है और दोनों की प्लेट्स का एरिया ए होता है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। तो यहां पे तीसरा फैक्टर और दिखाई दे गया, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस, मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, इसमें दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक की रेडियस आर वन दूसरे की आर टू, एक को कर दिया जाता है चार्ज, बाहर वाले को कर दिया जाता है अर्थ, कंडीशन वही बन जाती है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगेन सेम फॉर्मूला अपन लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के उसको टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो कैपेसिटेंस निकल के आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, कैपिटल आर वन कैपिटल आर टू डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हालांकि ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, बट अप्रोच ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले वाले स्फेयर के ऊपर पोटेंशियल निकालना जिसका फॉर्मूला हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, दूसरे का निकालना, दोनों का डिफरेंस निकालना, उसको चार्ज से डिवाइड कर देना। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तब और थोड़े से इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन दो कैपेसिटर्स का, 1/C = 1/C1 + 1/C2, या फिर C = C1C2 / C1 C2, आप जो भी सहूलियत हो आप उसके हिसाब से फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में C = C1 + C2 के इक्वल होता है, और एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में रहती है तो जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी आइदर ½CV² और ½QE और Q² / 2C। इन तीनों फॉर्मूला में से कौन सा यूज करना है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस क्वेश्चन में उस कॉन्टेक्स्ट में किन क्वांटिटीज के बारे में बात करी जा रही है। अगर आप दो कंडक्टर्स लोगे, एक के ऊपर चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है, वोल्टेज V1 है, दूसरे के ऊपर चार्ज Q2 है, कैपेसिटेंस C2 है, वोल्टेज V2 है, और उन दोनों को कुछ देर तक एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाके वापस से अलग कर दोगे तो इस दौरान रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, जिसके ऊपर जो हायर पोटेंशियल पर है वहां से चार्ज घूम फिर के कहां पर चला जाएगा, लोअर पोटेंशियल वाले के पास में चला जाएगा, और इस प्रोसेस के बाद में ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों स्फेयर्स का, दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, C1V1 + C2V2 / C1 + C2 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन से मैच करते हैं, वहां पर दो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद में सेम वेलोसिटी से चलने लगते थे, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने के बाद में सेम पोटेंशियल पर आ जाते हैं, राइट। इसमें भी एनर्जी लॉस होगा ½C1C2 / C1 + C2, V1 - V2 का होल स्क्वायर, वहां पर भी फॉर्मूला ऐसा ही होता था ½M1M2 / M1 + M2 × V1 - V2 का होल स्क्वायर। मैं आपको 11th क्लास नहीं भूलने दूंगा, ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार रेफरेंस देता रहूंगा। अगर एक चार्ज्ड कैपेसिटर आप लेते हो, अब इसमें ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और इसके अंदर अक्सर बच्चों को डिफिकल्टी होती है, तो मैंने ये एक मैप ही बना दिया, इसको अगर आप याद ही रख सको तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कंसेप्ट समझो। तो आपको दो अलग अलग चीजें कही जा सकती है, एक तो बोला जा सकता है कि भाई साहब एक कैपेसिटर लिया गया और उसको चार्ज कर दिया गया, अब उसका जो चार्ज है वो कांस्टेंट रखा जा रहा है, चार्ज है वो कांस्टेंट रखा जा रहा है, जैसे उसको बैटरी से हटा लेंगे और फिर क्या करेंगे, सॉरी बैटरी से लगाए रखेंगे और फिर उसको क्या करेंगे किसी अदर कैपेसिटर से कनेक्ट कर देंगे और सो ऑन, राइट, इस तरीके का काम कर सकते हैं। तो व्हेन चार्ज इज केप्ट कांस्टेंट, तो आपको तरह तरह की चीजें करने के लिए कहा जा सकता है, बताओ मीडियम भर देंगे तो, या डिस्टेंस डिक्रीज कर देंगे दोनों प्लेट्स की, या फिर एरिया इंक्रीज कर देंगे दोनों प्लेट्स का, तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको पता है चार्ज कांस्टेंट है, क्यू होता है C/V, तो वी हो जाएगा C/Q, क्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्यू होता है C/V, क्यू होगा आपका C × V, मैं उल्टा बोल रहा था, क्यू होगा C × V, तो वी हो जाएगा Q/C के ऊपर, तो वी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा Q/C। अब चार्ज तो कॉन्स्टेंट है,
यानी कि आपका जो वोल्टेज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब आप मीडियम फिल कर दोगे, तो मैंने अभी अभी बताया था यहां पर पीछे की तरफ कि मीडियम फिल करने पर क्या होता है, आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे डिस्टेंस डिक्रीज कर दोगे, डिस्टेंस अगर डिक्रीज करोगे तो अगेन कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, अगेन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। एरिया इंक्रीज कर दोगे तो अगेन कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी और आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से दिमाग लगा सकते हो आप, राइट। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, अगर आप ध्यान दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डी से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल वी निकल के आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है आपकी, या फिर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिग्मा अपॉन एप्साइलिन नॉट एप्साइलिन आर, और सिग्मा को आप लिख सकते हो क्यू अपॉन ए एप्साइलिन नॉट एप्साइलिन आर। अब देखो, अगर आप मीडियम भर दोगे यानी कि एप्साइलिन आर बढ़ जाएगा, एप्साइलिन आर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस डिक्रीज कर दोगे तो डिस्टेंस का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और एरिया इंक्रीज कर दोगे, एरिया इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटेंस के बारे में हम पहले बात ही कर चुके हैं, मीडियम फिल होने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, डिस्टेंस डिक्रीज होने पर बढ़ जाती है, एरिया इंक्रीज होने पर बढ़ जाती है। अब यू जो है, अगेन आप देखना कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं यहाँ पे जानबूझ के कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, यू के लिए मैं यूज करूंगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, क्योंकि चार्ज तो कॉन्स्टेंट है, अब सीधा सीधा रिलेशन सी के साथ है, सी बढ़ाओगे तो यू जो है वो घट जाएगी, तो यहाँ पे सी बढ़ा है यू घट गया, सी बढ़ा है यू घट गया, सी बढ़ा है यू घट गया। तो इस तरीके की क्वेश्चन के अंदर आपको बस केवल और केवल ये दिमाग लगाना होता है। हालांकि मैंने आपके लिए सारे के सारे केसेस एक पेज के ऊपर डाल दिए, आप याद भी रख सकते हो, बट फिर भी आप इस तरीके का काम कर सकते हो। तो अब ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है कि इसके लिए जो ये रिजल्ट्स मैंने बताए हैं इनको आप एक बार खुद से डिराइव करने की कोशिश करोगे। जब वी कॉन्स्टेंट रखा जाता है, वी कॉन्स्टेंट रखने का मतलब क्या होगा, आप बैटरी से कनेक्ट रखे रखोगे, मतलब बैटरी से कनेक्ट रखते रखते फिर कुछ और काम करोगे, पिछले वाले में बैटरी से डिस्कनेक्ट करके कुछ और काम करोगे, राइट। अगर मैंने उल्टा बोल दिया हो तो अभी करेक्ट कर लेना। तो V कांस्टेंट होगा, आप तो इतना ध्यान रखना, V कांस्टेंट होगा तो मीडियम फिल कर दोगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, Q होता है CV, V कांस्टेंट है, अब आप चार्ज केवल और केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है C के, तो मीडियम फिल करने पर C बढ़ता है इसलिए चार्ज भी बढ़ जाएगा, डिस्टेंस डिक्रीज करने पर C बढ़ता है इसलिए चार्ज भी बढ़ जाएगा, एरिया इंक्रीज करने पर C बढ़ता है इसलिए चार्ज भी बढ़ जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किसके इक्वल होगी, तो अब की बार अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, V अपॉन D, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो अगर आप मीडियम पढ़ दोगे तो मीडियम का तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा, नॉट अफेक्टेड, अगर डिस्टेंस डिक्रीज कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, और अगर एरिया इंक्रीज कर दोगे तो अगेन एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। सी का तो अपन बात कर ही चुके हैं, और यू की अगर बात करें तो आपकी बार यू के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अपन हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि अब की बार यू जो है वो सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि सी बढ़ेगा तो यू भी बढ़ेगी, सी बढ़ेगा तो यू भी बढ़ेगी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको डायरेक्ट दिखाई दे सकते हैं, और इनके लिए आपको तैयार रहना है। मिनिमम इन्फॉर्मेशन है ये, मिनिमम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, इन दो पेजेस के अंदर अपनों ने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन खत्म कर दी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और अब हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि तमाम तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस टैकल किए जा सकते हैं इतनी कम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू अनदर चार्ज इज कैरीड फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी एंड ए टू डी एंड ए टू ई, देन वर्क डन विल बी। तो सेंटर पर आपका एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, और उसके चारों तरफ आपने आर रेडियस का एक सर्कल खींचा हुआ है, और इसके एक पॉइंट ए से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट बी सी डी ई पर आप किसी दूसरे चार्ज को लेके जा रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन होता है वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, वी टू माइनस वी वन, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर पूरे के पूरे सर्कल पर तुम कहीं भी चले जाओ पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ए का और बी का पोटेंशियल सेम होगा, ए का और सी का पोटेंशियल सेम होगा, ए का और डी का पोटेंशियल सेम होगा, और ए का और ई का पोटेंशियल सेम होगा। और अगर पोटेंशियल सेम होगा तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा, और अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
स्फेरिकल ड्रॉपलेट हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ 2.5 वोल्ट इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जिंग ऑफ 125 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स. फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ड्रॉपलेट. तो मैंने पहले भी आपको हिंट दिया हुआ है कि इस तरीके के ड्रॉप्स बनाने के क्वेश्चन अलग अलग जगह पर पूछे जाते हैं, और इनमें सबसे पहला जो कंसेप्ट आपको लगाना है वो ये रहेगा कि वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि जो आपने बड़ी ड्रॉप बनाई है उसका वॉल्यूम, अपन ब्लैक इंक यूज कर लेते हैं, 4/3πr³, वो 125 छोटी छोटी बूंदों के वॉल्यूम्स के इक्वल हो जाएगा. 4/3 से 4 बाय कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि आर की वैल्यू क्यूब रूट लोगे तो 5 times r की इक्वल हो जाएगी. साथ ही साथ में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपके आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहना चाहिए, यानी कि आप जो बड़ी ड्रॉप है उसके ऊपर कह रहे हो कि पोटेंशियल कितना होना चाहिए 2.5 वोल्ट. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, k टाइम्स टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस. अब देखो k तो कांस्टेंट है, टोटल चार्ज जो है अगर छोटी बूंदों की बात करेंगे तो यही 125 बूंदों के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे स्मॉल क्यू हर छोटी ड्रॉप के ऊपर चार्ज की वैल्यू है. ऐसी आर जो है वो अभी अभी हमने निकाला था, किसके इक्वल हो जाएगा, 5 times r का आर के इक्वल हो जाएगा. 5 से 125 कैंसिल हो जाएगा तो 25 times k स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर. ये k स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्या है, ये पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट है. तो इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे, k टाइम्स स्मॉल q डिवाइडेड बाय r की वैल्यू निकालेंगे तो 2.5 डिवाइडेड बाय 25 यानी कि 0.1 वोल्ट के इक्वल होगी. तो हर छोटी ड्रॉप के ऊपर 0.1 वोल्ट पोटेंशियल आपको मिलेगा. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग जगह पर पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सम रीजन इज एक्सप्रेस बाय v, इसको v कर लो. राइट, v इज इक्वल टू 6x - 8xy² तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब यह है कि पोटेंशियल x, y और z के फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करके आप आसानी से फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो. तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था नेगेटिव टाइम्स सबसे पहले वोल्टेज का केवल और केवल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. तो 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 6 -8xy² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, -8y². क्यों, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है. तो 8y² कांस्टेंट कोफिशिएंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया. 8y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 6yz का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, -4z² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि ये सब हमने कांस्टेंट माना. इसको हम चिपका देंगे किसके साथ, i गैप के साथ. प्लस अब y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 6x, अब की बार y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट मानना है, तो 6x का डिफरेंशिएशन हो गया 0. इसका करोगे तो ये हो जाएगा -8 × 2 = 16xy. ठीक है, 8x तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का करोगे तो -2y हो जाएगा, तो 2 से 8x को मल्टीप्लाई करोगे -16xy हो जाएगा. -8y का करोगे तो -8 रह जाएगा, 6yz का करोगे तो +6z रह जाएगा, और 4z² का हो जाएगा 0. इसको अपनों ने चिपका दिया j कैप के साथ. फिर z के रेस्पेक्ट में करेंगे, 6x का हो जाएगा 0, -8x² xy² का हो जाएगा 0, -8y का हो जाएगा 0, 6yz का हो जाएगा 6 times y, और -4z² का हो जाएगा -8z. इसको हमने किसके साथ चिपका दिया, k कैप के साथ. तो ये तो जनरल एक्सप्रेशन आ गया. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कहां पर, ओरिजिन पर. तो ओरिजिन के लिए x की जगह 0, y की जगह 0 और z की जगह 0 रख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह 0 रखोगे तो ये उड़ गया, केवल और केवल 6i कैप रह गया. इसकी जगह 0 रख दिया, इसकी जगह 0 रख दिया, केवल और केवल -8j कैप रह गया. इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, तो k कैप पूरा का पूरा उड़ गया, नेगेटिव साइन बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जाए तो निकाल सकते हो, √6² करोगे 36, -8² करोगे 64, दोनों को ऐड करोगे 100, रूट लोगे तो 10. तो जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, q टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा. q कितना दे रखा है आपको, 2 कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली आपने मेहनत करके,
यानी कि फोर्स कितना हो जाना चाहिए, 20 न्यूटन हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आजकल आपके लिए क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज प्लेट कैपेसिटर ऑफ डिस्टेंस डी हैज एन एनर्जी यू नॉट इन द सिस्टम, अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड थिकनेस डी इज देन इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द न्यू एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। तो ध्यान दो, आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज्ड है और उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो। जब तक नहीं कहा जाए तब तक ये मानना कि आपका जो कैपेसिटर है वो आइसोलेटेड है, और आइसोलेटेड कैपेसिटर का चार्ज जो है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो हमने बात करी थी कि जब चार्ज कॉन्स्टेंट रहता है, राइट, उस कंडीशन में जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर देते हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, कितनी हो जाती है, एप्साइलन आर टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाती है, और जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एप्साइलन आर टाइम्स सी। ये क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी किसके इक्वल है, ओरिजिनल एनर्जी के इक्वल है, डिवाइडेड बाय एप्साइलन, यहाँ पे एप्साइलन आर की जगह के दे रखा है, यू अपॉन के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने अच्छे से पढ़ा था और यहाँ पर उसके ऊपर क्वेश्चन मिल गया। आप डायरेक्ट, आपको इतना तो पता ही था ना कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, अब यहाँ पर ये भी पता पड़ गया कि कितने गुना डिक्रीज हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डी एंड एरिया ऑफ ईच ऑफ द प्लेट इज ए, व्हेन अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के एंड थिकनेस टी इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, इट्स कैपेसिटी बिकम्स, कैपेसिटेंस बिकम्स। तो ये आपका कैपेसिटर हो गया और इसके बीच में एक टी थिकनेस वाली, इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, एक डायलेक्ट्रिक प्लेट जो है वो आप डाल देते हो, इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपको के दे रखा है, इस डिस्टेंस को अपन एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है, ये टी है, तो जो बाकी बच गई वो पक्का कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस में से एक्स को भी माइनस कर दिया और टी को भी माइनस कर दिया, तो अब हमारे लिए तीन कैपेसिटर बन गए एक तरीके से। पहला कैपेसिटर बन गया ये, तो सी वन की वैल्यू हो जाएगी, वैक्यूम है, गैप एक्स है, तो ए एप्साइलिन नॉट अपॉन एक्स। दूसरा बन गया ये, तो इसमें क्योंकि मीडियम भरा हुआ है तो ए एप्साइलिन नॉट एप्साइलिन आर डिवाइडेड बाय गैप कितना हो गया, और सी थ्री ये अगेन वैक्यूम वाला हो गया, ए एप्साइलिन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स, क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर क्या है, एक दूसरे के सीरीज में, पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया, तो इनकी नेट कैपेसिटेंस जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। बोर्ड के एग्जाम के रेस्पेक्ट में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो 1/ का मतलब उल्टा कर देते हैं, टांगे ऊपर सिर नीचे, इसके लिए भी टांगे ऊपर सिर नीचे, और यहाँ पे d - t - x ऊपर और a एप्सिलॉन नॉट नीचे। देखो 1/a एप्सिलॉन नॉट, ये सब में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा t/εr और यहाँ पे बचेगा d - t - x, x से x तो कट जाएगा, तो इस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो नीचे है वो तो चला जाएगा ऊपर और जो ऊपर है ये बॉक्स वो चला जाएगा नीचे, तो इसको आप लिख सकते हो d - t + t/εr या k, ठीक है, एप्साइलिन आर की जगह k रख देंगे, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं किसके अंदर है, d - t, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको देखते हैं ये भी नहीं हो सकता, इसको देखते हैं ये भी नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आ रहा है d - t, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया t/k और ऊपर a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर है वो किससे मैच कर रहा है, उससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप रटने की कोशिश मत करो, कई लोगों को ये फॉर्मूला रटने के लिए कह दिया, कुछ नहीं करना यार, ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है, दैट अप्रोच डील्स विद एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। हमें इन्फॉर्मेशन ज्यादा गैदर नहीं करनी, हमें मिनिमम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन जॉइंड विथ अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। तो जैसे ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, और इनके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है, V है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 हो जाएगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज
वी टू हो जाएगा। ध्यान रखना वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, सी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू टाइम्स टोटल वोल्टेज, ऐसे यहां पर सी वन डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू टाइम्स टोटल वोल्टेज। तो अभी यहां पर हम वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं, कल को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन करंट को भी डिवाइड करेंगे। हमेशा ध्यान रखना जब इसके ऊपर वोल्टेज निकाल रहे हैं, क्योंकि सीरीज में है ना तो चार्ज तो सेम रहेगा, वोल्टेज अलग अलग होगा, तो इसका वोल्टेज निकाल रहे हैं तो इसको ऊपर रखेंगे, जब इसका वोल्टेज निकाल रहे हैं तो इसको ऊपर रखेंगे। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आप यूज कर सकते हो, राइट। अब पहले तो कहा गया है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। वी आपको दे रखा है 100, इसकी भी वैल्यू सी दे रखी है, इसकी भी वैल्यू सी दे रखी है। अगर आप रखोगे तो इसके ऊपर 50 वोल्ट आ जाएगा और इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाद में ऐसा कहा गया कि इस कैपेसिटर के अंदर आपने क्या डाल दिया, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इसकी कैपेसिटेंस तो सी ही रही, इसकी कैपेसिटेंस हो गई 4 times C और वोल्टेज अभी भी कितना रहा, 100 वोल्ट रहा, ठीक है। तो अपन निकाल लेते हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 4C, इन दोनों का सम 5C मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज 100, सी से सी चला गया, 5 से 20, 20 से 4 चला गया, 80 वोल्ट। और इसके ऊपर अगर 80 होगा तो पक्का इसके ऊपर रिमेनिंग 20 वोल्ट होना चाहिए, यानी कि 80 और 20 ये आपका क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपको चुटकियों में सॉल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉन्स्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कंसिडर अ पाथ ऑफ लेंथ डी एट एन एंगल थीटा रिस्पेक्ट टू द लाइन्स, द इलेक्ट्रिक द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2। तो हम यहां से यहां पर जा रहे हैं, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब जाते हैं तो पोटेंशियल सेम रहता है। तो आप पहला तो कंक्लूजन ये निकालोगे कि V2 is equal to किसके इक्वल होगा, V3 के इक्वल होगा। आपको निकालना है V1 minus V2, राइट, चेंज इन पोटेंशियल निकालना है कि कितना पोटेंशियल चेंज हो गया। V2 की जगह आप रख सकते हो V1 minus V3, और V1 minus V3 किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E को V1 से V3 तक जाने में जो डिस्टेंस चलनी पड़ रही है आपको, D cos 60 डिग्री, उसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। यहाँ से आप ये सीख सकते हो कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पोटेंशियल निकालना होता है तो डॉट प्रोडक्ट सोल्व करना होता है, डॉट प्रोडक्ट ही किया है मैंने, राइट। अगर ये नहीं पता तो यूं ध्यान रख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ रही है, उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट, डॉट प्रोडक्ट का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। An electric dipole of dipole moment P is lying along a uniform electric field E. The work done in rotating the dipole by 90 degree is. तो मैंने बताया था work done होता है P E cos theta 1 minus cos theta 2. Theta 1 आपको दे रखा है 0 और theta 2 दे रखा है आपको 90. जब आप रखोगे तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P E cos 0 की वैल्यू तो हो जाती है 1, यानी कि P E, और cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली PE के इक्वल आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 चार्जेस ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC ऑफ साइड्स BC एंड AC 2A। BC और AC जो है वो आपस में इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, और यहां पर भी क्यू रखा हुआ है, यहां पर भी क्यू रखा हुआ है, और यहां पर भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। DA एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AC, द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम D टू E। अच्छा देखो हम यह क्या करेंगे, वर्क डन निकालना है, यानी कि हम कैसे भी करके यहां पर पोटेंशियल निकाल लेंगे और यहां पर पोटेंशियल निकाल लेंगे। अब देखो यहां पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस काम में आएगी, इसकी वजह से निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस काम में आएगी, और इसकी वजह से निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस काम में आएगी, मतलब दो हाफ डिस्टेंस काम में आ रही है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस काम में आ रही है। कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही काम यहाँ पर हो रहा है, इधर भी इससे हाफ और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस काम में आ रही है। तो आप नोटिस करोगे कि डी पर पोटेंशियल की वैल्यू और ई पर पोटेंशियल की वैल्यू एग्जैक्टली सेम निकल के आएगी, और अगर पोटेंशियल सेम होगा तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा तो आपका अमाउंट ऑफ वर्क में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा जीरो। ये पूरा का पूरा चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि आपको ट्रायंगल कैसा दे दिया गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, या इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया होता तब भी यही काम होता, उसके अलावा फिर आपको फिर एग्जैक्ट पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी होती, अलग अलग होती, डिफरेंस निकालते हो, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट
एयर कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफेरेड एज शोन इन फिगर. दिस कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. दीज पार्ट्स आर फिल्ड बाय मीडिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक. K1 इज इक्वल टू 2, K2 इज इक्वल टू 4. कैपेसिटी ऑफ दिस अरेंजमेंट विल बी. तो अगर आप ए और बी के बीच में देखोगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो आपको दो कैपेसिटर नजर आएंगे, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ. मैंने इस डायग्राम को ना यू करके बना लिया, कोई दिक्कत नहीं. अपर हाफ की कैपेसिटेंस हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट K1 डिवाइडेड बाय डी, ठीक है ना. और इसकी हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइडेड बाय डी, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस इसके सम के इक्वल हो जाएगी. तो ए एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन टी प्लस ए एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन डी. ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा K1 प्लस K2. इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10 माइक्रोफेरेड. K1 आपको कितना दे रखा है, 2. K2 कितना दे रखा है, 4. 2 प्लस 4 करेंगे 6. तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 60 माइक्रोफेरेड. यानी कि वन सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है. ए एप्सिलॉन नॉट, ओके 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 ओके, एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो ए बाय 2 लेना है, इधर भी ए बाय 2 लेना है, तो इधर K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2 बचेगा, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2. 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइक्रोफेरेड जो है वो आपका आंसर आना चाहिए. ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट. एरिया हाफ लेना है, जल्दीबाजी में भूल गया, आप मत करना ऐसे मिस्टेक वरना आपके 4 नंबर कट जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज वी आर जॉइंड इन सीरीज. ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब है कि उससे ज्यादा वोल्टेज अगर आपने गलती से भी अप्लाई कर दिया, फट जाएंगे, ठीक है. द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, ठीक है. 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज वी आर जॉइंड इन सीरीज. सीरीज के अंदर ज्वाइन किया गया है, ठीक है. तो देखो, इसकी कैपेसिटेंस सी है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज वी लगाया जा सकता है. इसकी भी कैपेसिटेंस सी है, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज वी लगाया जा सकता है. और इसकी भी कैपेसिटेंस सी है, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कितना लगाया जा सकता है, वी लगाया जा सकता है, ठीक है. ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज वी आर जॉइंट इन सीरीज. तो अगर इनको आप सीरीज में ज्वाइन करोगे तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसके ऊपर नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा आपके, 3V के इक्वल हो जाएगा. आप 3 गुना वोल्टेज अप्लाई करो कॉम्बिनेशन के ऊपर, अपने आप ही तीनों के ऊपर वी 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 इस तरीके का जो पोटेंशियल है वो चला जाएगा, राइट. तो हमारे तीनों कैपेसिटर सेफ है. साथ ही साथ में इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी, 1 upon C plus 1 upon C equivalent, यानी कि 3 upon C, यानी कि C equivalent की वैल्यू हो जाएगी C divided by 3. तो 3V and C divided by 3, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट. कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ईच ऑफ रेडियस R एंड चार्ज Q आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप. द रेशियो ऑफ द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप टू दैट ऑफ बिग ड्रॉप इज. अगेन, सबसे पहला काम अपनों को ये करना है कि बड़ी ड्रॉप और छोटी ड्रॉप्स की रेडियस में क्या रिलेशन होगा. तो 64 जो छोटी ड्रॉप्स थी उनका वॉल्यूम एक बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए. 4/3 से 4/3 चला गया, पाई से पाई चला गया. जब क्यूब रूट लोगे तो 64 का क्यूब रूट हो जाएगा आपका, ठीक है. तो करो इसको फटाफट से. 64 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. 4 × 4 होता है 16. 16 × 4 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा. तो R की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4 टाइम्स स्मॉल R के इक्वल आ जाएगी. पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है, राइट. ओके, अब चार्ज की बात करें तो छोटी छोटी ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज Q था, तो स्मॉल ड्रॉप उसकी जो चार्ज डेंसिटी थी वो थी स्मॉल Q डिवाइडेड बाय एरिया था 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर. और जो बड़ी ड्रॉप है
उसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, 64 टाइम्स क्यू हो गया, और उसका एरिया हो जाएगा 4 पाय कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 4 टाइम्स आर रख सकते हैं, तो 64 क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाय 4 यानी कि 16 आर के इक्वल हो जाएगा। 16 से 64 चला जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और ये रह जाएगा फाइनली 4 क्यू डिवाइडेड बाय 16, स्मॉल आर आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स क्यू अपॉन 4 पाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपको स्मॉल ड्रॉप और बिग ड्रॉप इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो वो तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अगर इससे इसको डिवाइड करोगे तो q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर से q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ई हुज डायपोल मोमेंट इज पी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई। इफ द डायपोल इज डिस्प्लेस्ड देन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज, तो इसके ऊपर जो टॉर्क वर्क करेगा वो हो जाएगा पी ई साइन थीटा, ठीक है। अगर आप बात करोगे, आप थीटा एंगल घुमाओगे तो जो टॉर्क वर्क करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो आप देखोगे कि रीस्टोरिंग टॉर्क होगा नेगेटिव साइन। और अगर छोटा एंगल लोगे तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हो, इसके माइनस पी ई थीटा के इक्वल लिख सकते हो। जैसे एफ माइनस के एक्स के इक्वल हुआ करता था और मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ करती थी, वैसे फोर्स की जगह आ गया टॉर्क, एक्स की जगह आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो चीज है ये किसकी तरह बिहेव करेगी, के की तरह बिहेव करेगी। और अगर आपको याद हो तो के को अपन रखा करते थे एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और यहाँ पे मास की जगह आ जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अपॉन आई, यानी कि के की जगह मैं रख दूंगा पी ई डिवाइडेड बाई आई, यानी कि पी ई डिवाइडेड बाई आई की पावर 1/2। तो अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, पी ई डिवाइडेड बाई आई की पावर 1/2 हो जाएगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ली तो फिर टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है, तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन से कनेक्ट किया जा सकता है, राइट। आप इसको इससे रिलेट करना सीख जाओगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली विच आर अ डिस्टेंस 2L अपार्ट, ठीक है, आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, एक यहां पर चार्ज है, यहां पे है प्लस क्यू, और एक यहां पर चार्ज है बी पर, दैट इज माइनस क्यू, ऐसा रख दिया गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। विच आर एट डिस्टेंस 2L अपार्ट, सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस L है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस L है। थोड़ा प्रॉपर स्केल से नहीं बना हुआ बट ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q अलोंग द सेमी सर्कल CRD इज, तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, यहां पे पोटेंशियल निकाल लो, यहां पे पोटेंशियल निकाल लो, चेंज इन पोटेंशियल निकाल लो, उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले C पर पोटेंशियल निकाल दो, तो C पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसकी वजह से निकालेंगे तो K टाइम्स Q डिवाइडेड बाय L, और इसकी वजह से निकालेंगे, इस B की वजह से निकालेंगे तो माइनस K टाइम्स Q अपॉन L, दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0। ऐसे VD की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वजह से निकालेंगे तो K टाइम्स Q डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक L, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 3L हो गई। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे तो माइनस के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय एल, के क्यू एल ये बाहर ले लेते हैं, इधर बच जाएगा 1/3 माइनस 1, यानी कि 1 माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 के क्यू डिवाइडेड बाय एल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा वी वो किसके इक्वल आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 2/3 के क्यू बाय एल के इक्वल आएगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा, आप जिस चार्ज को लेके जा रहे हो उसको इस पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 के क्यू टाइम्स कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एल। चलो के की वैल्यू भी रख देते हैं, 2/3 1/4πε0 टाइम्स स्मॉल क्यू टाइम्स कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एल, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा
क्यू कैपिटल क्यू, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एल। तो क्यू कैपिटल क्यू 6 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एल, इसकी वैल्यू ये जो है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे सेम आंसर आपको नेगेटिव के अंदर भी मिल रखा है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि एक्चुअल में वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी, यानी कि आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा गया है। अगर ना दिया जाए तो हमेशा यही मानना। और हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, हम सी से कहां पर जा रहे हैं, डी पर जा रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि आपका जो वर्क डन आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, यानी कि फाइनल आंसर आएगा वो भी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होना चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो मेरा तरीका है, मैं पहले वर्क डन निकाल लूंगा, ठीक है, आंसर मुझे पता पड़ गया कि आना चाहिए, फिर मैं देखूंगा कि यार यहां पर जो पोटेंशियल होगा 0 है और यहां पर जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव चार्ज के ज्यादा पास है, पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा दूर है, तो ऑब्वियसली यहां पर पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है, तो हम 0 से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे हैं, इसका मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, राइट। तो नेगेटिव स्मॉल क्यू टाइम्स कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एल, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, कर सकते हैं अपन आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी ऑफ रेडियस ए एंड बी आर प्लेस्ड इन एयर कॉन्सेंट्रिकली, बी इज गिवन अ चार्ज प्लस क्यू एंड ए इज ग्राउंडेड। उल्टा कर दिया गया है केस, जो हमने स्फेरिकल कंडक्टर देखा था उसका उल्टा कर दिया गया है। अब की बार इसको तो कर दिया गया है ग्राउंड और इसको दिया गया है प्लस क्यू चार्ज, इज ग्राउंडेड, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज इज। अब देखना, ध्यान देना इसको, बहुत अच्छे से सीखना, इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस बी है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बी के ऊपर पोटेंशियल निकालेंगे। तो बी के ऊपर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल एट बी जो होगा वो तो किसके इक्वल हो जाएगा, के टाइम्स कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय बी के इक्वल हो जाएगा। छोटा वाला जो स्फेयर है ना, उसकी वजह से कोई पोटेंशियल नहीं आएगा उसके ऊपर। क्यों नहीं आएगा कोई भी पोटेंशियल, क्योंकि छोटे वाले के ऊपर आपने क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है, यानी कि छोटे वाले की सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है, ठीक है। इनफैक्ट सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत जो है वो इस तरीके से करनी चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले के ऊपर कितना चार्ज आएगा क्यू डैश, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि छोटे वाले की सरफेस पर आपने ग्राउंड कर रखा है, यानी कि नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसकी सरफेस पर दो चीजों की वजह से पोटेंशियल आएगा, एक तो बड़े वाले स्फेयर की वजह से, ध्यान देना कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है तो जितना सरफेस पर होगा उतना ही अंदर वाले हर पॉइंट पर होगा, यानी कि यहां पर भी इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू अपॉन बी होगा, प्लस के टाइम्स इसके ऊपर मान लो चार्ज क्यू डैश है डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 0। इसको आप उधर ले जाओगे तो क्यू अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा, यानी कि q डैश जो होगा वो नेगेटिव ऑफ a अपॉन b टाइम्स q के इक्वल होगा। पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि छोटे वाले स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव टाइम्स a b डिवाइडेड बाय q के इक्वल होगा। अब अपन निकालते हैं पोटेंशियल, तो बड़े वाले स्फीयर के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कैसे निकालेंगे अपन, एक तो खुद की वजह से k टाइम्स q डिवाइडेड बाय b, और एक इस चार्ज की वजह से, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के टाइम्स क्यू डैश डिवाइडेड बाय, देखो इसके सेंटर से इसकी सरफेस की जो डिस्टेंस है, बाहर वाला पॉइंट है ना, तो अपना को सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस लेनी, तो अगेन कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्यू डैश की वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन बी, ये माइनस देखो या तो आप एक बार, ठीक है, या तो आप क्या करो, पोटेंशियल में प्लस लिख के फिर चार्ज क्यू डैश, आपको नहीं पता कैसे है तो आप तो बिल्कुल यू क्यू रखो, फिर आराम से वैल्यू रखो इसकी ताकि गलती ना हो, तो हो जाएगा के क्यू अपॉन बी, और जैसे क्यू डैश की वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, के ए अपॉन नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर टाइम्स क्यू। अब देखो के
क्यू अपॉन बी, ये तो कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 1 माइनस ए अपॉन बी, और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा के क्यू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो आपकी जो कैपेसिटेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय नेट पोटेंशियल डिफरेंस। नेट चार्ज आपने क्यू ले लिया और नेट पोटेंशियल डिफरेंस, बी का पोटेंशियल इतना है, इसको ग्राउंड कर रखा है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके इक्वल ही होगा, तो के टाइम्स क्यू टाइम्स बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। क्यू से क्यू कट गया, के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बी स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा बी माइनस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत ही इत्मीनान से, बहुत आराम आराम से पहले दोनों स्फेयर्स के ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज और उनके बीच का रिलेशन निकालना चाहिए, राइट। फिर दोनों स्फेयर्स के ऊपर बड़े ही केयरफुल तरीके से पोटेंशियल निकालना चाहिए, फिर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहिए, फिर नेट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड करके आपको कैपेसिटेंस निकालनी चाहिए। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, जो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था उसमें बाहर वाले को ग्राउंड किया था और अंदर वाले के ऊपर चार्ज रखा गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच वाइज सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय फॉर्मूला ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्ज स्फेयर्स हैविंग रेडाई ए एंड बी आर जॉइंड विद अ वायर, देन द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए एंड ई बी ऑन दियर सरफेस। तो अगर उन दोनों को जॉइंट कर दिया गया है वायर से, जॉइंट विद अ वायर, इसका मतलब है दोनों की सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो एक के ऊपर तो पोटेंशियल हो जाएगा के टाइम्स क्यू वन डिवाइडेड बाय, एक की रेडियस कितनी है ए, और दूसरे के ऊपर के टाइम्स क्यू टू डिवाइडेड बाय बी। के से के कट गया, क्यू वन डिवाइडेड बाय ए किसके इक्वल आ जाना चाहिए, क्यू टू डिवाइडेड बाय बी के इक्वल आ जाना चाहिए। सबसे पहली चीज इसको पकड़ो, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए डिवाइडेड बाय ई बी, ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगी, या फिर आप ये ध्यान रख सकते हो के टाइम्स ए के ऊपर जो चार्ज होगा डिवाइडेड बाय ए की जो रेडियस होगी उसका स्क्वायर, और यहां पर के टाइम्स बी के ऊपर जो चार्ज होगा और उसकी जो रेडियस होगी उसका स्क्वायर। के से के कट गया, क्यू वन डिवाइडेड बाय क्यू टू, बी स्क्वायर चला गया ऊपर, ए स्क्वायर आ गया नीचे, और यहां पर क्यू वन डिवाइडेड बाय क्यू टू की वैल्यू कितनी दिख रही थी हमें, ए बाय बी, ये उठा के अपन यहां रखेंगे तो ए डिवाइडेड बाय बी टाइम्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, आपका आंसर आ जाना चाहिए बी अपॉन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। अगर आप इस कंडीशन के ऊपर ध्यान नहीं देते ना और गलती से दोनों के चार्जेस सेम ले लेते हैं तो KQ से KQ कट जाता और आपका आंसर आ जाता बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो भी आपको ऑप्शन के अंदर मिलता और आप उसको लगा के आ जाते और नेगेटिव मार्किंग हो जाती। तो कई बार क्वेश्चन को बिटवीन द लाइंस पढ़ना जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड टू चार्ज डेंसिटी सिग्मा ईच इफ दे कोलेस टू फॉर्म अ सिंगल चार्ज लार्ज ड्रॉप देन इट्स चार्ज डेंसिटी विल बी, अगेन मर्ज करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, तो 4 by 3 by स्मॉल आर क्यूब, ये किसके इक्वल हो जानी चाहिए, बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल हो जानी चाहिए by कैपिटल आर क्यूब के इक्वल। 4 by 3 से 4 by 3 चला गया, पाई से पार चला गया, आर की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर टाइम्स एन की पावर 1 by 3 के। पहले तो ये रिलेशन निकाल लो, इफ दे कोलेस टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप देन इट्स चार्ज डेंसिटी विल बी। तो पहले टोटल चार्ज कितना रहा होगा, हर किसी की चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, हर किसी का एरिया 4 by r² था और टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी थी n। बाद में भी टोटल चार्ज जो है वो तो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा डैश और एरिया हो जाएगा 4 by R² 4 by से 4 by चला गया तो सिग्मा डैश की वैल्यू आ जाएगी n सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, एन सिग्मा
आर स्क्वायर, और कैपिटल आर की जगह मैं ये रख सकता हूँ, तो ये रखते ही इसका तो स्क्वायर हो जाएगा और एन की पावर हो जाएगी 2/3। आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट जाएगा, इस 2/3 को ऊपर लाएंगे तो 1 - 2/3 करोगे तो 1/3 आ जाएगा, सिग्मा टाइम्स एन की पावर 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, तीन अलग अलग क्वेश्चन के जरिए हमने समझने की कोशिश करी कि इनका फंडा क्या है बेसिकली, राइट। थ्री पॉइंट चार्जेस क्यू -2q एंड -2q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ठीक है, तो ये क्यू है भाई साहब जी, ये -2q है और ये -2q है, और इनकी जो साइड है वो ए है तीनों। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज देयर सेपरेशन टू 2a, तो इनिशियल कॉन्फिगरेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निकाल लेते हैं, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -2kq2/a, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -2kq2/a, और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी +4kq2/a। ये -2 दोनों ऐड होके -4 हो जाएंगे, और -4 से +4 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 0। फिर आपने क्या करा, इसको 2a डिस्टेंस पर लेके चले गए। ठीक है, ये -2q हो गया, ये -2q हो गया, और ये क्यू हो गया, और आपकी बार डिस्टेंस कितनी हो गई, 2a हो गई। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, वही -2kq2/2a, -2kq2/2a एंड +4kq2/2a, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 times kq2/2a आ जाएगा, अगेन दोनों कट कटा के कितना आ जाएगा, 0। अब आप देखो कि इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हुआ ही नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ तो आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटेंस ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 microfarad आर कनेक्टेड एज इन एडजॉइनिंग फिगर, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज। ठीक है, तो ए और बी मतलब बेसिकली यहां पर ए है और यहां पर बी है, और इस तरीके के कैपेसिटेंस जो है वो कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो सब पैरेलल में है, पैरेलल में है तो कैपेसिटेंस कैसे होगी, एक की हो जाएगी सी, एक की हो जाएगी, ये दोनों सीरीज में है तो सी और सी है तो सीरीज में होने की वजह से C/2, फिर अगले ब्रांच की हो जाएगी C/4, फिर अगले की C/8, और इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, मैथ्स के फंडे यूज में आ रहे हैं, सी कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा 1+1/2+1/4+1/8, क्या बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, एक जीपी, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना आता था, इनिशियल टर्म 1 - कॉमन रेशियो दैट इज 1/2, और 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 2c, यानी कि 2 microfarad, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे उसके जरिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की जो पूरी की पूरी टेरिटरी है उसके अंदर आराम से घूमने की कोशिश करी है, और एक बार फिर से ये प्रूव करने की कोशिश करी है कि वाकई बहुत कम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बहुत अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चन है वो टारगेट किए जा सकते हैं। आई होप मोस्ट वॉन्टेड सीरीज आपकी हेल्प कर रही होगी, आई होप यू आर रियली गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस मोस्ट वॉन्टेड सीरीज, इसी उम्मीद में कि हमारी ये जर्नी इसी तरीके से चलती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।